चलें ठीक है बेटा सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली इनक्लाइनेट प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था वी डिस्कसड इनक्लाइनेट प्लेन प्रोजेक्टाइल्स एंड ये भी उसमें डिस्कस किया था कि इनक्लाइंट प्रोजेक्टाइल्स के डिफरेंट पैरामीटर्स हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट की थी रेंज ठीक है चलो रेंज के बारे में हम थोड़ा वो कैलकुलेशन का मसला था तो वो मैं ले लेता हूँ रेंज का ठीक है रेंज के लिए मैंने कौन सी इक्वेशन ली थी एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन तो इट वॉज एस एक्स इज सिंपली यू एक्स टी प्लस वन हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर ठीक है ना तो इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर तो हमने रेंज को डिनोट किया था आर से और यू एक्स इज द इनिशियल स्पीड जो कि हमारे केस में था यू कॉस एल्फा मैं लास्ट लेक्चर से ही ले रहा हूँ ठीक है इन टू टी टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट और यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज गिवन बाय कैपिटल टी ठीक है ना प्लस वन हाफ ऑफ एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स एक्स वो हमने देखा था माइनस जी साइन बीटा है 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 ना 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 और ठीक तो अब देखिए ये किसके बराबर आएगा बेटा हम लोगों ने उसी time पे calculate किया था था वो आया दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे ठीक है तो इसी टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू यू

पूरी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाले हैं ठीक है ना तो इक्वल टू पहले मुझे बताइए क्या बनेगा? इट बी U U okay, तो देखिए यहां पे क्या आएगा जी साइन बीटा को मैं ऐसे ही रख रहा हूं ठीक है और इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो इट इज फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी कॉस बीटा है ना बीटा ठीक है तो अब आप देखिए कौन कौन से टर्म्स जो है ना वो यहाँ पे कैंसिल होने वाली है ठीक तो चलो बेटा पहले तो ये आएगा ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा ठीक है अच्छा एक काम करो पहले तो देख लो कि अच्छा ठीक है एक सेकेंड ट्वाइस ए, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले कैंसिलेशन ही कर लेते हैं कॉस ऑफ बीटा माइनस इट विल बी वन हाफ ऑफ जी जी और एक जी कैंसल हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर है तो एक जी को कैंसिल कर देते हैं ठीक है साइन ऑफ ओके और तो कोई चीज कैंसिल नहीं होगी तो इट विल बी वन हाफ ऑफ अच्छा टू वन आर टू फोर आर ठीक है टू वन आर टू टू आर ठीक तो यहाँ से वन बाई टू भी चला जाएगा इट विल इटव टू लेट मी राइट इट विल बिकम टू जी गया तो यू स्क्सर अल्फा और क्या बचा बीटा हाँ. डिवीजन में बचेगा जी और बचेगा कॉस बीटा हाँ इतनी सारी टर्म्स यहाँ पे बच जाएंगी ठीक है तो देखो अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं ठीक है बताइए बेटा क्या आएगा इट विल बी टू यू स्क्वायर कॉस ऑफ एल्फा चार ठीक है chart, तो जरा देखो कि कॉमन क्या निकल सकता है ठीक है तो आर यहां से कॉमन निकलेगा टू यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा साइन ऑफ एल्फा भी कॉमन निकलेगा डिवाइडेड बाई जी कॉस ऑफ बीटा ये कॉमन निकलेगी ये टर्म है ना तो बचेगा क्या पहली टर्म में खाली आपको एक चीज बचेगी कॉस ऑफ एल्फा माइनस दूसरे में टू कॉमन यू स्क्वायर कॉमन साइन ऑफ एल्फा बचेगा और यहां से बचेगा साइन ऑफ बीटा हम्म और डिवीजन में कुछ बचेगा हाँ डिवीजन में कॉस बीटा कॉमन निकला तो कॉस ऑफ बीटा ए कॉस बीटा बच जाएगा ठीक है ऐसे तो रेंज के लिए लिख सकते हो आप टूवाइस यू स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा डिवीजन में जी कॉस बीटा और यहां से आएगा कॉस ऑफ एल्फा कॉस ऑफ बीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो माइनस साइन साइन बीटा डिवीजन में बचेगी टर्म कॉस ऑफ बीटा है ना आई होप यू आर गेटिंग सो आर विल बी टुवाइस यू साइन ऑफ़ एल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस ऑफ बीटा है ना तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे होती है ना कॉस कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा दिस इज कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है याद रख लेना ठीक है डिविजन में आएगा कॉस ऑफ बीटा जो फिर बन जाएगा टू यू स्क्र साइन ऑफ एल्फा डिविजन में देखो क्या डिनोमिनेटर कॉमन है ना दोनों का जी डिनोमिनेटर में जी है और कॉस है तो जी कॉस स्क्वायर बीटा और साथ में कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा तो बेटा ये जो अजीब सा फार्मूला है ना ये फार्मूला रेंज के लिए है ठीक है सो रेंज ऑफ द इनकलाइनेट प्लेन इज गिवन बाय दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला ठीक है तो जरा इस फॉर्मूला को हम नोट करते हैं रेंज के लिए ठीक है तो हमने कहा कि रेंज के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज टू यू स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई जी cos square beta cos of alpha plus beta ठीक है ना ठीक तो ये निकला जो फॉर्मूला है ना ये रेंज के लिए फॉर्मूला है ठीक है देखो बेटा इफ यू आर फीलिंग कि इनक्लाइनेड प्रोजेक्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपको क्वेश्चन नीट में पूछने आने के चांसेस बहुत कम है ठीक है विल हार्डली गेट ए क्वेश्चन ऑन नीट मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी नीट पे इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा ठीक है बट स्टिल वन मस्ट बी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो ठीक है तो अब इसमें मुझे बोलो रेंज का जो है ना मैक्सिमम कब आएगा ठीक है फाइंड द मैक्सिमम रेंज मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ फाइंड मैक्सिमम रेंज आई एम सेइंग कि आपको मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला निकालनी है ठीक है कंडीशन बता दो मुझे कि रेंज कब मैक्सिमम होगा ठीक है ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ठीक है कंडीशन फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा वो भी बताना है ठीक है चलिए फिर ये कोई इशू नहीं है कोई मसला नहीं है ठीक है निकाल लेते हैं देखो यहाँ पे रेंज को किस चीज के साथ वेरी किया जा सकता है मैंने आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे एक ही एंगल है एल्फा जो है ना एल्फा एल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना एल्फा इज सिंपली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीक तो किस एंगल पर आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना चाहते हो ठीक है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसी चीज से रेंज डिसाइड होता है है ना से uh, अगर आपको याद होगा अगर मैं इस एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा ठीक है ना इस एंगल पे ठीक है कोई इस एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा कोई इस एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा ठीक है तो ये जो डिफरेंट एंगल्स पे हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं ना रेंज मत सेम आएगा डिफरेंट एंगल्स पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज बिल्कुल डिफरेंट आएगी ठीक है ना डिफरेंट एंगल्स पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज डिफरेंट आएगी ठीक है मतलब इफ यू प्रोजेक्ट नहीं आएगा ठीक है range का फॉर्मूला जो वो डिफरेंट आएगा different angles के लिए ठीक है बेटा तो कैसे हम रेंज को देखेंगे इसका ठीक है तो मस्ट बी इक्वल टू जीरो कंडीशन है इट इज फॉर मैक्सिमम रेंज ठीक है ना याद होगा आप लोगों को कि जब हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं तो कैसे करते हैं से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ दिस इज एक्स की फंक्शन है ये ठीक है तो अगर मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना तो मैं क्या करता हूँ डी एफ बाई डी एक्स ठीक है इसको डिफरेंशियट करता हूँ विद रिस्पेक्ट एक्स और इसको बोलता हूँ जीरो है ना ठीक है ये जो है ना ये कंडीशन दिस इज द कंडीशन टू फाइंड आउट द मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन किसी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना देखो यार ज्यादा कहानियां और किससे नहीं है बहुत सिंपल सी बात है अगर आपके पास एक फंक्शन है इस तरह से यहाँ से वाई है यहाँ से एक्स है और आप इस फंक्शन का मान लो ये फंक्शन कुछ ऐसे है ठीक है यहाँ पे है ना फिर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ठीक इस पॉइंट पे मान लो तुम लोग को मैक्सिमम निकालना है ठीक है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करो ठीक है इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा तो यू विल से सर इस टेंजेंट का स्लोप जो है ना वो जीरो होगा और स्लोप का मतलब होता है ना डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ठीक है तो दैट इज स्लो जीरोस्ट पॉइंट पर भी जीरो बट यहां पे हम कह रहे हैं कि by dx है highest point पर भी फिलहाल हम उसी कंडीशन को यूज कर रहे हैं ठीक है ना तो रेंज आपने अभी देखी रेंज के लिए जो फॉर्मूला थी लेट मी राइट दैट फॉर्मूला आर इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी cos स्क्वायर ऑफ बीटा देन we हैव cos ऑफ alpha प्लस बीटा है ना ये रेंज था ठीक है अब हम इसी रेंज को डिफ्रेंशियट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एल्फा ठीक है और उस डिफरेंशियशन को हम लोग क्या करेंगे बेटा जीरो के बराबर पुट करेंगे अच्छा एक और टर्म भी है साइन ऑफ एल्फा भी है है ना चलो डिफ्रेंशियट करो डी आर बाई डी एल्फा ये जीरो आना चाहिए देखो डी बाई डी एल्फा ऑफ चलो रेंज का वैल्यू पुट करो टू यू स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो है ना तो कौन कौन सी टर्म बाहर निकलेगी टू यू स्क्वायर बाहर निकलेगा जी भी बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर बीटा भी बाहर निकलेगा ठीक है और बचेगा क्या डिफरेंसीन में बचेगा साइन एल्फा और साथ में कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा ठीक है इट शुड बी जीरो ठीक है ये टर्म बच जाएगी ठीक तो अब फंडा सिर्फ यही है कि यहां से आपका मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट होता है अब आपको डिफरेंशिएशन का ये जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ठीक है देखो बेटा यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने की बात अगर आती है तो इट इट विल बिकम यू इन वी रूल ठीक है ये वाला फंक्शन जो है दैट इज यू और ये वाला पार्ट जो है दैट इज वी ठीक है तो ये u into v रूल बन जाएगा ठीक है तो कैसे करेंगे 2 u² g cos² β रख देते हैं ठीक है और इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं u into v रूल ठीक है तो पहले तो आप इस u को यहीं पे रख दो मतलब sin α को ऐसे ही छोड़ दो आप कुछ मत करो अब है ना cos α β इसकी डिफरेंशिएशन तो आएगा ना sin α बीटा साइन नहीं आएगा असल में माइनस साइन आएगा ठीक है क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है तो माइनस साइन प्लस फिर साइन अल्फा का क्या आएगा डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा और उस वाले पार्ट को ऐसे रख देंगे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ठीक है इक्वल टू जीरो अरे भाई यू इंटू वी रूल तो याद है ना डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी याद होगा ना क्या करते हैं यू को छोड़ देते हैं वी की डिफ्रेंसिएशन प्लस वी को छोड़ देते हैं यू की डिफ्रेंसीशन है ना अरे ये रूल तो बहुत कॉमन है फेमस है यार ठीक है ये तो आपने कई बार देखा होगा सुना होगा पढ़ा होगा इनफैक्ट बहुत आसान रूल है ठीक है चलो क्या आएगा इट विल बी टू यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्र बीटा है ना ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा इट विल बिकम माइनस साइन एल्फा साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा ओके प्लस कॉस ऑफ एल्फा कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा है ना तो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो ठीक है अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो आप थोड़ा इसको उलट दो थोड़ा सा ना थोड़ा देखो इट्स अ कैलकुलेशन नाउ ओके तो आप इसको इस पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिखो आप इट विल बिकम कॉस्ट ऑफ एल्फा कॉस्ट ऑफ एल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा है ना दैट शुड बी जीरो ठीक है चले अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है एक छोटी सी फॉर्मूला है यूजिंग द फॉर्मूला विच इज लाइक दिस वे जो कहता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इस चीज का वैल्यू जो है ना इसका वैल्यू कॉस ऑफ ए प्लस बी आना चाहिए ठीक है मैं बता देता हूं देखो यहाँ पे भी देखो एल्फा यहाँ पे ए है और ये पूरा जो टर्म है ना दी सो दिस इज ए दिस टर्म इज बी दिस टर्म इज ए दिस टर्म इज बी है ना तो बन गई ना फॉर्मूला कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी तो ये क्या बन जाएगा इट विल बिकम टू यूज कैर डिवाइडेड बाई जी फॉर्मूला मतलब बी, बी मतलब अब देखो टू जीरो नहीं हो सकता यू जीरो नहीं हो सकता जी जीरो नहीं हो सकता कॉस स्क्र बीटा जीरो नहीं हो सकता ठीक है तो बची कौन से टर्म यही वाली कॉस ऑफ टू आइस एल्फा प्लस बी बीटा दैट शुड बी जीरो ठीक है ना तो आपको ये पता है कॉस्ट ऑफ ट्वाइस एल्फा प्लस बीटा कॉस कब होता है जीरो जीरो के बदले में लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ नाइनटी है ना आई कैन राइट कॉस्ट ऑफ नाइंटी क्योंकि कॉस्ट ऑफ नाइनटी तो जीरो ही होता है तो कॉस और कॉस्ट मान लो वो गया तो यहाँ से ये ए बेसिकली एक क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ठीक है तो ट्वाइस एल्फा प्लस बीटा नाइनटी के बराबर आना चाहिए ठीक है यहाँ से देखो ट्वाइस एल्फा इट शुड बी नाइनटी माइनस बीटा या मैं शॉर्टकट में आपको कहूँ कि अल्फा होना चाहिए नाइन्टी माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू है ना ठीक तो दिस इज द कंडीशन फॉर फॉर मैक्सिमम रेंज है ना यानी हम और अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज नाइंटी बाई टू माइनस बीटा बाई टू यानी अल्फा को लिख सकते हैं दिस इज फोर्टी फाइव माइनस बीटा बाई अच्छा 45 को लिखते हैं ना पाया बाय 4 है ना 45 को लिखते हैं पाया बाय 4 माइनस बीटा बाय 2 ठीक है तो बेटा दिस इज़ द कंडीशन फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम ठीक है दिस इज़ द कंडीशन फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम दिस इज़ द कंडीशन फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम यही कंडीशन है रेंज के लिए मैक्सिमम होने की ठीक है मतलब अल्फा का जब ये वैल्यू डाला जाएगा ठीक है तो रेंज का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा ठीक <coughs> अब पता है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि अब हमें रेंज भी निकालना है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा ठीक है रेंज के लिए फॉर्मूला पता है आपको अभी निकाला रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस यू स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर बीटा आई होप ये फार्मूला आपको याद हो चुका होगा अब कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा था एल्फा प्लस बीटा था हाँ एल्फा प्लस बीटा तो एल्फा के बदले आपको वैल्यू देना है बस ठीक है जो वैल्यू अभी अभी निकाल चुके हो पाए बाई फोर माइनस बीटा बाई टू वही वैल्यू देना है ठीक है चलो पुट करते हैं एल्फा विल बी रेंज विल बी टू वाइस साइन ऑफ एल्फा के बदले वैल्यू पुट कीजिए क्या आएगा पाए बाय फोर माइनस बीटा बाई टू डि डिविजन में है जी कॉस स्क्र बीटा और फिर है कॉस ऑफ अल्फा के बदले वैल्यू पाई बाय फोर माइनस बीटा बाय टू फिर लास्ट पे प्लस बीटा भी है ठीक है तो रेंज का वैल्यू टू आइस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा ठीक है बेटा अच्छा तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ दिस बिकम सिंपल ये तो सेम ही है पाई बाय फोर माइनस बीटा बाई टू फिलहाल और यहाँ पे ये क्या बनेगा कॉस ऑफ पाए बाई फोर अच्छा बीटा को माइनस बीटा बाई फोर दो तो बीटा बाई टूट इज बीटा बाई टू है ना अरे यार इन दोनों का प्लस कर लो इसका और इसका ठीक है दोनों का बीटा बाई टू और पाए बाय फोर का प्लस कर दो आप ठीक है ना बीटा और बीटा बाई टू का ठीक है तो रेंज किसके बराबर आएगा अब अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर्मूला यूज करके कहानी को निपटाते हैं ठीक है ना देखो कैसे मैं कर रहा हूँ ख़त्म कहानी को यूजिंग हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे टू आइस साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू और है कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू दैट इज साइन एल्फ़ा माइनस साइन बीटा दिस इज द फार्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस केस इसमें हम यही यूज करेंगे यही वाली फॉर्मूला ठीक है पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में फिर हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला को आई नो इट्स हेक्टिक मैथमेटिक्स यू कैन से रेंज का वैल्यू बताइए पहले इट विल बी टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कॉ स्क्र बीटा और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ कैन ए राइट इट लाइक दिस साइन ऑफ ये है ना पाई बाई फोर माइनस बीटा बाई टू जरा इसको ऐसे लिखो बेटा यू कैन राइट इट समथिंग विच इज अच्छा एक काम करते हैं एक शॉर्टकट करते हैं एक काम करते हैं सुनो सुनो ये क्या है ऊपर ऊपर लिखा है ना साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस बीटा बाई टू है ना और यहाँ पे क्या लिखा है कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू ठीक है तो यानी ये है टू बी है देखो टू बी है ठीक है टू बी है यहाँ पे ठीक तो आई कैन राइट इट इस टू को मैं यहां पे नहीं लिखता हूं मतलब ये वही फॉर्मूला मैं यूज करूं जो मैंने ऊपर लिखा आई कैन राइट साइन ऑफ पाई बाई फोर माइनस साइन ऑफ बीटा बाई टू आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया ठीक है मैंने ये किया ना यू साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू तो ये वाला आया तो आर किसके बराबर आएगा इट विल बी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्र बीटा और यहाँ पे आएगा देखो साइन ऑफ फाइव बाई फोर मतलब हो गया साइन फोर्टी फाइव तो वो आएगा वन बाई रूट टू माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय टू तो ये जो बनेगा ना इट विल बी यू स्क्र डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्र बीटा एंड विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो टू माइनस रू टू साइन ऑफ बीटा डिवाइड बाई टू रूट टू ठीक है आई होप यू आर गेटिंग ठीक है हाँ ठीक है यहां तक तो ठीक ही लग रहा है ठीक है सारी चीजें ठीक ही हैं सो so, ये जो है ना ये फॉर्मूला है ठीक है ये मैक्सिमम रेंज के लिए है ठीक है दिस वन इज फॉर मैक्सिमम रेंज ठीक है चलो देयर लाइज अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स मोर मैथमेटिक्स ठीक है बस आप

कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ठीक है बहुत सारा ये है ए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है ठीक सो जस्ट क्या करो जस्ट रिमेंबर फॉर्मूलाज आई विल सजेस्ट यू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट ठीक है मैं बताऊंगा किस तरह से इस पे प्रॉब्लम आती हैं नीट में लेकिन क्या मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रिजल्ट को याद रखो ठीक है बस बाकी कुछ नहीं ठीक है रिजल्ट याद रख लो कि कैसे मैंने और अप्रोच याद रखो कि किस तरह से मैं अप्रोच कर रहा हूँ प्रॉब्लम को ठीक है ना तो दिस वॉज ऑल अबाउट अपवर्ड प्रोजेक्टाइल ये सारा अपवर्ड प्रोजेक्टाइल के मुतालिक जो भी मैंने कहा कल से ठीक है चलो एक एक सिंपल चीज है बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं ना हम कंपैरिजन करते हैं एक तो होता है आपके पास अपवर्ड प्रोजेक्टाइल है ना एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको इनकलाइन पे ऊपर की तरफ फेंका गया हो ठीक है और दूसरा मैंने कल कहा था दूसरा होता है डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल ठीक है बेटा एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको ऊपर से नीचे फेंका गया हो दैट्स अ डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल ठीक तो कंपेयर करते हैं दोनों केसेस को थोड़ा दोनों थोड़ा सा कंपेयर करते हैं फिर जाकर चीजें समझ में आएंगी ठीक है तो मुझे बताओ कल जब हमने इसको ऐसे फेंका था इफ यू रिमेंबर दिस वॉज वन प्लेन दिस वॉज अनदर प्लेन ठीक है यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल को उठा के इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे फेंका था ठीक है ना तो किस एंगल पे हम लोगों ने फेंका था उसको दैट वाज एल्फा है ना अच्छा ये वाला एंगल याद है किसी को ये एंगल क्या था यहाँ पे दिस एंगल ठीक है ना जिसको मैंने एंगल ऑफ दिस कहा था इनक्लिनेशन तो ये बीटा था है ना इसी का तो यहाँ पे कॉज बीटा साइनमेंट आता है अच्छा एक मैंने कहा था कैसे प्रॉब्लम उसको अप्रोच करते हैं मैंने कहा था इसमें सिंपल सा लॉजिक यूज करो आप जिस ये प्लेन वाली एक्सीज को आप ऐसे मान के चलो कि ये एक्स एक्सीज है ठीक है ठीक है ना और ये वाली जो एक्सीज है ना ये वाली इसको मान के चलो ये वाई एक्सीज है रिमेंबर ना मैंने कहा था इसको ये एकस मान के चलो और इस वाले को आप वाई एक्सीज ट्रीट करो ठीक है फिर मैंने कहा था कि अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ है ऐसे जी तो यहां पर जो एंगल ग्रेविटी बनाएगा ना दैट इज थीटा है ना तब हमने इस ग्रेविटी को सेपरेट किया था ऐसे जी आ, कॉस ऑफ थीटा नहीं है बीटा है, बीटा वाला है नीचे एंगल है ना का बीटा, तो कॉस बीटा और यहां से किया था हमने जी साइन ऑफ बीटा है ना मतलब सिंपली हमने ये कहा था कि जो एक्स कंपोनेंट है ना एक्स कंपोनेंट, चलो देखो देखो बेटा आराम से देखो जो एक्स कंपोनेंट है एक्सेलेशन का दैट इज जी कॉस है ना सॉरी एक्स कम्पोनेंट नहीं हो. एक्स कंपोनेंट जो है ना ग्रे, ग्रेविटी का एक्सलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज माइनस जी साइन ऑफ बीटा है ना और वाई एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज ऑफ बीटा है ना तो ये मैंने आपको कल कहा था आई टोल्ड यू टू रिमेम्बर दिस थिंग है ना कि इनक्लाइनेट प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होते हैं ना बस स्प्लिट हो जाते हैं ठीक है ग्रेविटी स्प्लिट हो जाती है और उसके दो कंपोनेंट्स निकलते हैं ठीक है चलो अब हम अभी जो है ना अभी मैं आपको ये वाला केस भी समझा देता हूं कि अगर प्रोजेक्टाइल ऊपर से ही नीचे गिरेगा नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से ही नीचे गिर रहा है मतलब यहाँ पे हम उसको लॉन्च कर रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ऐसे इस तरह से तो मतलब यहाँ पे U है और ये वाला जो एंगल है दैट इज थीटा है ना या एल्फा कहो चलो हम एल्फा ही कर रहे हैं कल से तो हम एल्फा ही कह रहे हैं इसको ठीक है तो विल कॉल दिस एज है ना ठीक इसको हम लोग एल्फा ही कहते हैं ठीक है हम एल्फा ही कह रहे हैं और इस वाले एंगल को हम लोग इन पे जो एंगल बनता है इसको हम बीटा ही कह रहे हैं तो विल कॉल इट एज बीटा है ना तो यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि जब अब आ, हम क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं अपवर्ड नहीं है अप डाउनवर्ड है मतलब ये यह यहां से यहाँ ट्रेवल कर रहा है ठीक है डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल की हम बात कर रहे हैं We are about तो, है। तो है में क्या देता, अब इसको प्लस ले लो जी साइन ऑफ बीटा बस नेगेटिव रिवर्स कर दो और वा एक्सीज पे जो एक्सरेशन थी ना उसको क्या कर दो उसमें रिवर्स नहीं होगा क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है देट विल नॉट चेंज वो चेंज नहीं होगा ठीक है समझ आई ना बात क्या करना है एक्स एक्सिस वाली एक्सरेशन को आप क्या कर दो रिवर्स कर दो क्योंकि देखो 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 यहाँ पे प्रोजेक्टाइल कहां जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो इस वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया ठीक है और एक्सरेशन ड्यू टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सरेशन क्या है डाउनवर्ड्स है ना इस तरफ तो इसको हमने नेगेटिव मान लिया ठीक है लेकिन अब देखो इसमें क्या है इसमें ये जहां जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे हमेशा यही होता है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है ठीक है और उसको, वाले उसको है। यार, ज्यादा फैक्ट नहीं है ना इन अपवर्ड प्रोजेक्ट है जी साइन बेटा और डाउनवर्ड के, के वाले केस में इसको आप पॉजिटिव ले लीजिएगा ठीक है ये सिंपल सी कहानी है इसके अलावा आपको चीजों को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है ठीक है अच्छा विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एस सी वर्मा ठीक है ठीक nice है तो इसको हम थोड़ा सा ये करते हैं आई सजेस्ट यू टू गिव इट अ ट्राई क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है बेहद सिंपल क्वेश्चन है सिंपल नहीं बस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मुझे ठीक ठाक लगा दिखाने के काबिल है कि आप इसको मान के चलिए एक एक्सिस है यहां से एक इनक्लाइंट प्रोजेक्टाइल है ऐसे करके ठीक है हमने यहां से एक में मैं बता रहा हूं, जल्दी -जल्दी में, तो देखो हमने क्या किया इन डायरेक्शन में यू ठीक है अच्छा वेलोसिटी इसने थोड़ा अजीबो गरीब तरीके से दिया है क्वेश्चन वाले ने वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दी है मतलब इन्होंने वेलोसिटी को एस सी वर्मा साहब ने वेलोसिटी को थोड़ा ऐसे करके दिया हुआ है लाइक दिस वे ये बोल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमने हॉरिजॉन्टली दे दी और इस वजह से प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर गया ठीक है ना मतलब वेलोसिटी हमने बराबर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से दी है ठीक है तो पूछा है अगर ये पॉइंट ए है है ना और ये पॉइंट पी है जहां पर ये लैंड कर रहा है तो आपको यही ए पी ढूंढना है फाइंड ए पी ए एपी मतलब शॉर्टकट में रेंज ही पूछा है और क्या शॉर्टकट में रेंज ही हमसे पूछा है इन्होंने ठीक है तो आप एक ट्राई मार लो इस क्वेश्चन में कि रेंज का जो वैल्यू है वो क्या आएगा क्योंकि रेंज के लिए तो आपने फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप ठीक है सिंपल है देर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बहुत सारे तरीके हैं ठीक है जिनसे इसको सॉल्व किया जा सकता है ठीक है विल ट्राई वन ऑफ देम हम एक वाला तरीका यूज करते हैं ठीक है ना सिंपल विल यू सिंपलेस्ट वन ओके चले सी बेटा इसको कैसे करेंगे देखो मान लो कि यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं दिस इज और इस डिस्टेंस को मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स है ठीक है ना और इस वाली डिस्टेंस को मान के चल रहा हूँ वाई है ठीक अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने कहा क्या है इन्होंने पूछा है कि रेंज बताइए ठीक है ना देखो बेटा हमने यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो एक्स एक्सिस में दी हुई है यू मैं इस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है है ना और ये वाली जो एक्सीज है मैं इसको वाई एक्सीज मान रहा हूं ठीक है ना जो कन्वेंशन है वही कन्वेंशन अपना फॉलो कर रहे हैं ठीक है कोई नई बात नहीं है तो हमने जो वेलोसिटी दी है इस पार्टिकल को वो कहां से दी है हमने हमने इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी है अलोंग द एक्स एक्सीज ठीक है वाई एक्सीज पे हमने वेलोसिटी सप्लाई नहीं की है ठीक है ना मतलब वाई एक्सीज में देर इज नो वेलोसिटी ठीक तो y में जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज जीरो में वेलोसिटी जीरो है ओके सर ठीक चले मान लिया ओके सो व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सीज एक्स एक्सीज में हमने वेलोसिटी दी है लेकिन हमें पता है कि एक्स एक्सीज वाली वेलोसिटी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है ना तो एक्स एक्सीज में जो एक्सेलरेशन है दैट इज जीरो तो अब मुझे बोलो अगर हम इक्वेशन लगाएंगे अलोंग एक्स एक्स इज एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर तो बता सकते हो क्या आएगा हाँ सिंपल एस एक्स इज मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है अलोंग एक्स एक्सीज वो तो बोला ना मैंने एक्स करनी है एक्स इज यू इंटू टी यू इन टू टी तो एक्सरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सीज इजो तो कहानी खत्म ठीक है, है दूसरी टर्म तो नहीं, आएगी नहीं ठीक है पहली टर्म आएगी तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल के रखो एक्स बाई यू ठीक है आ, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ए से लेके तक कितना टाइम लगेगा दैट्स एक्स बाई यू सिंपल अब बताते हैं यहाँ से हम लोग वाई एक्सिस वाली मोशन को तो वाई एक्सिस पर जो मोशन होगी उसके लिए लगाएंगे एस वाई जू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ओके okay? सिंपल सी कहानी है कोई खास बात नहीं है तो वाई एक्सी पहले मुझे बोलो वाई एक्सीज में एक्सलेशन कितना होगा में अगर हम देखा जाए तो वाई एक्सीज में जो एक्सलेशन होगी वो तो ग्रेविटी वाली ही होगी ना जी y तो और वेलोसिटी कितनी है वहां से जीरो इन टू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई दैट इज एंड से सर वाई इज हाफ ऑफ जी टी ऑफ जी और टी का वैल्यू तो अभी निकाल चुके हैं एक्स बाई यू ठीक है स्क्वायर तो वाई इज सिंपली वन हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ठीक है इसको बेटा हम इक्वेशन वन कहेंगे यहां तक ठीक है नाउ आप डायग्राम की तरफ नजर डालो और डायग्राम में मुझे टेन थीटा का वैल्यू बताओ चलिए मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में मुझे टेन थीटा का वैल्यू बताइए ठीक है थीटा में इंडिकेट कर रहा हूँ कौन सा एंगल है थीटा को हम ये वाला एंगल मानेंगे। ऑफ इनक्नेशन थीटा है ना तो अगर ये एंगल ऑफ थीटा ये भी कितना होगा दिस आल्सो बी थीटा है ना तो थीटा किसके बराबर आएगा टेन थीटा दैट्स परपेंडिकुलर यानी एक्स डिवाइडेड बाई ओके एक्स बाय वाई है ना x बाई वाई ही तो आएगा और क्या आएगा ठीक है ओके okay. चले ठीक x बाई वाई ठीक है तो कैन यू टेल मी वन थिंग यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम ऐसे नहीं लिख सकते y बाई एक्स स्क्ट इज g बाई टू यू स्क्र आई गेस लिख सकते हैं ऐसे ठीक है ना तो मैंने क्या किया है सिंपल में मैंने x कंपोनेंट को एक्स uh, स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया है ठीक है दूसरे वाले साइड पे तो यहाँ पे मुझे बताओ या मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ इसको आ, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई इट्स अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ठीक है तो मुझे बताओ क्या लिख सकते हैं एक्स सेकेंड कैन आई राइट एक्स बाय वाई दैट इज टू यू स्क्वायर बाई जी आई गेस ये लिख सकते हैं टू यू स्क्वायर बाई दैट देट सिंपल है ना अब क्या करते हैं थोड़ा सा इसको लिखते हैं ऐसे इंटू एक्स बाई वाई ये चलेगा ना x इंटू एक्स बाई वाई एक्स इंटू एक्स वो होता आएगा ना एक्स स्क् टू यू स्क्वायर बाई जी अच्छा ये x तो अपनी जगह पे लेकिन ये x बाई वाई किसके बराबर है टेन थी है ना तो ये आएगा टू यू स्क्वायर बाई जी तो हमने देखा कि x tan थीटा जो है वो आया टू यू स्क्र डिवाइडेड बाई जी है ना सिंपल तो यहाँ पे जो है हमने देखा चलो एक मिनट हमने देखा कि x tan थीटा जो है टू यू स्क्र बाई जी आया तो ठीक है also, थीटा का भी हमने निकाला था ऊपर वो क्या आया था वाई बाय वो आया था वो आया था हाँ वाई बाय एक्स ठीक है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक मिनट वाई बाय एक्स था था कि एक्स बाय आया था एक सेकेंड लेटमी चेक लेटमी चेक ओके चेक द वैल्यू ऑफ दिस थिंग कौन सा एंगल मैंने थीटा माना था अरे थीटा 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 ये वाला एंगल था सॉरी सॉरी बेटा एक्सट्रीमली सॉरी ये नहीं आएगा थीटा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना है चाहिए है ना तो इस हिसाब से थीटा ये है ये भी थीटा होगा सॉरी यहां पे क्या आएगा फिर गलत हो गया यहां पे आएगा वाई बाय एक्स थीटा हाँ तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो होगा थीटा हम्म ठीक है बेटा. Y x tan ठीक. तो अभी जो बात हो रही थी y कोऑर्डिनेट की ठीक है अब x कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो जाए लेट मी राइट ओके तो एक्स कोऑर्डिनेट का क्या आएगा आंसर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से देखें तो अच्छा तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा यहाँ से ओके okay, एक्स तो हमने निकाला हुआ है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से तो हमने निकाला एक्स टेन थीटा इज टू यू स्क्वायर हाँ ये वाला फॉर्मूला ठीक है टू यू स्क्वायर बाई जी ये एक्स टेन थीटा का फॉर्मूला है ठीक है हाँ। तो अगर हम एक काम करते हैं हम क्या करेंगे ठीक है यहां तक मुझे लगता है इट इज ऑब्वियसली ठीक करेक्ट है तो ये जो पॉइंट पी है ना अपना हाँ ये जो पॉइंट पी है यहाँ से ऐसे था ना इफ स्टार्ट यहां से ऐसे था ये ऐसे जा रहा था ये प्रोजेक्टाइल और फिर यहां पे आके गिर रहा था ठीक है ये पॉइंट पी था यहाँ से हमने जो डिस्टेंस मानी थी इफ यू रिमेंबर दैट वॉज वाई और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमने मानी थी दैट वॉज एक्स हम्म तो ये ए है और ये पी है ठीक तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट क्या माना एक्स का मा वाई होगा ना इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट? तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है इट विल बी टू यू स्क्र डिवाइडेड बाय जी और इस टेन थीटा को भी यहाँ पे लेके आइए तो टैन थीटा है ना कामा y का कोऑर्डिनेट आपको पता है y हमने देखा x tan थीटा के बराबर आता है ठीक है तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कामा 0 सो so, जो डिस्टेंस होगी ना a से लेके p तक तो वो आप बोल सकते हो दैट इज x 0 होल स्क्वायर प्लस y 0 होल स्क्वायर ठीक है तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप इट इज सिंपल डिस्टेंस फार्मूला मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर है ना एक्स का वैल्यू भी पता है, X की पता है आपको हुँ. अरे यहां से निकाल सकते वैल्यू एक्सक्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू वाई हाँ यही वैल्यू पुट कर दो तो, ठीक है तो पुट करो वैल्यू ठीक है आंसर अंडर रूट ऑफ जो ठीक है क्या निकला ये वैल्यू आपका इट विल बी स्क्वायर जी है ना टू स्क्वायर बाई जी इंटू वाई ओके तो ये निकला टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू वाई ठीक है स्क्वायर और साथ में वाई स्क्वायर ठीक है फिर यहाँ पे लास्ट पे आप वाई का वैल्यू पुट कर देना एक्सटेन थीटा ठीक है तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा दैट इज टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी टेन थीटा इंटू सेक थीटा ओके सो दिस इज ए से लेके पी तक जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे ठीक है ना ओके सो दिस वन इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ठीक है ये बहुत स्टैंडार्ड प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारा मैथामेटिक्स भी यूज होता है ठीक है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के प्रोजेक्टाइल मोशन में कहा तक क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा जा सकता है ठीक है बस ये चीज समझाने के लिए ठीक है चलिए कोई मसला नहीं यहाँ तक तो हो गया चीजें खत्म ठीक अब हम कुछ दो तीन क्वेश्चन लेते हैं आर इन रियलिटी वेरी इजी जिनको हम जल्दी जल्दी में सॉल्व करेंगे और आपका आंसर जो है वो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए ठीक है देखो बेटा क्वेश्चन क्या है मी से देर इज आई लेट मी जस्ट सी